Hey guys, hello, and a very warm welcome back to my channel. So here you are watching our YouTube channel that is Soothing Studies, and I welcome you all. So हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मॉडर्न इंडिया. बिकॉज ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक मैंने इस टॉपिक पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है. बट आई रियलाइज के बीच का पार्ट अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना? तो हम बीच के पार्ट को आज कंप्लीट कर लेंगे, या फिर एक दो पार्ट्स में रहेगा, या आज ही कंप्लीट हो जाएगा. वी विल सी एज यू मूव ऑन. ओके, ऑल्सो माइक का इशू रिजॉल्व हो चुका है. आई होप आप लोगों को क्लियर वॉइस आ रही होगी मेरी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ओके, तो अगर आप लोगों ने वीडियो मेरा ये वाला फ्रीडम स्ट्रगल वाला नहीं देखा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाना, क्लिक करना, ठीक है? उससे आपको आप उस वीडियो पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, एंड वहां पे आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है? अभी जो मैं आज के क्लास में बात करने वाली हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज मॉडर्न इंडिया, जो कि आपका मेडिवल और मेडिवल से फ्रीडम स्ट्रगल के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये वाला पार्ट इज गोइंग टू बी आर फोकस एरिया टुडे, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ था, मुगल्स का डिक्लाइन कब से होना शुरू हुआ था? औरंगजेब के टाइम से, ठीक है? वी कैन से दैट जो लास्ट औरंगजेब था, वही जो है मुगल किंग था, हु इज द लास्ट रियल किंग. ओके, उसके बाद आए जरूर, ऐसा नहीं है कि मुगल्स उसके बाद बिल्कुल ही उनका राज बन गया. उनका राज चल रहा था, लेकिन जो रूलर्स आए दे वर वीक. ओके, उनको बहुत जल्दी सक्सीड कर लिया जा रहा था. और जैसे कि आप चाहते हैं जानते हैं कि जहांगीर के टाइम पे ही जो है आपके ब्रिटिशर्स जो है वो आने शुरू हो गए थे टू सेट अप द फैक्ट्री, ठीक है? तो ये चीज भी हम लोग जानते हैं. अब जब डिक्लाइन ऑफ मुगल हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करना शुरू कर लिया, ठीक है? ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसीज निकाली, वो कॉलोनियल पॉलिसीज निकाली उन्होंने बहुत सारी, जिससे कि क्या लिख रही हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि क्या हुआ कि इंडियंस का रिएक्शन आया, ठीक है? इंडियंस का रिएक्शन आया बिकॉज दे वर सो सप्रेसिंग एंड ऑप्रेसिंग दैट देर वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट देम ऑफ इंडियंस, ठीक है? तो हम ये सब पढ़ेंगे. रिएक्शंस वाला पार्ट जो है ये आपको फ्रीडम स्ट्रगल में आ जाता है ना, उसमें हम लोगों ने बहुत लोगों के रिएक्शन पढ़े हैं. बाकी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे जो कि मैं नेक्स्ट एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, जिसमें हम फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, उन्होंने कैसे कैसे मूवमेंट चलाए, उनके लोगों ने कैसे कैसे मूवमेंट चलाए. इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे एक पार्ट में या मे बी दो पार्ट्स में, ठीक है? तो ये इसका पूरा टाइमलाइन रहता है कि किस तरीके से आगे चीजें हुई थी. तो अभी हम उस पर ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर मैं पढ़ूं, अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिशन कैसे हुआ, तो देखो लास्ट जो रूलर था वो औरंगजेब था, हम सबको पता है. औरंगजेब जो रियल रूलर था, उसके बाद कुछ वीक रूलर्स आए, जैसे बहादुर जाफर, ठीक है? बहादुर जाफर आया, नॉट जाफर, बहादुर शाह आया पहले, ठीक है? फिर बेसिकली वही है, जाफर ही आया, ये पूरा नाम मैंने क्या लिख दिया, ठीक है? और आपका फिर आया जहांदर शाह, ठीक है? जहांदर शाह आया, फिर उसके बाद आपका आया फारूक सियार, ठीक है? फिर आपका आता है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है? और फिर आता है आपका अहमद शाह, ठीक है? फिर आता है आपका आलमगीर टू, ठीक है? फिर आता है आपका अकबर टू, फिर आता है आपका बहादुर शाह जाफर टू, ठीक है? ये आपका आखिरी होता है 1857 में लास्ट, ठीक है? इसके बाद प्रॉपरली खत्म हो जाता है रूल, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे फारूक सियार वगैरह. कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स भी है, विल स्टडी ऑल ऑफ इट. ओके, चलिए
उनके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको बतानी चाहिए कि जो अहमद शाह था ना, अहमद शाह जो था, इसके टाइम में इन्वेजन शुरू हो गया था किसका, अहमद शाह अब्दाली का। ये अलग अलग लोग हैं यार, ये अहमद शाह है, अहमद शाह अब्दाली है, ठीक है। इसका इन्वेजन होना यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद जस्ट ग्लोरी केम टू द एंड, ठीक है। और आपको कुछ पानीपत के लड़ाई याद होंगी ही, ठीक है। पानीपत के युद्ध में जो सबसे पहला फर्स्ट था, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत नंबर 1, दैट वाज बिटवीन पृथ्वीराज चौहान प्लस बाबर, ठीक है। तो ये आपका हुआ था कहाँ पर, कब हुआ था, 1526 में, ठीक है। तो उसके बाद आपका हुआ था सेकेंड वाला बैटल, सेकेंड वाला बैटल जो कि आपका बैरम खान ने लड़ा था, ठीक है। बैरम खान ने लड़ा था और इस ये आपने आपका लड़ा था 1556 में, 1526 आफ्टर 30 इयर्स, 1556। उसके बाद जो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, वो आपके मराठास वर्सेस अब्दाली हुआ था, है ना, अब्दाली वर्सेस मराठास, ठीक है। यहाँ पे वर्सेस मंगोलियंस था। तो ये जो हुआ था मराठास वर्सेस अब्दाली, ये आपका हुआ था 1761 में। तो ये आपको याद रखने तीनों चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। चलिए, नाउ विल मूव फॉरवर्ड बैक टू आर व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ओके। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई थी ब्रिटिशर्स की, ओके, जिसमें आपके पास 4 टाइप्स की वॉर्स आती है, ठीक है। पहली थी आपकी बंगाल वॉर्स, इसमें 1, 2, 3 थ्री वॉर्स आई थी इनमें, ठीक है। इनको हम कर्नाटिक वॉर बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटिक वॉर। सेकंड जो था, ये फर्स्ट है, मैं लिख देती हूँ ऐसे, सेकंड सेकंड वॉर जो आई थी वो आपकी आई थी द वॉर विद होम, द वॉर विद बंगाल। इसको आप कर्नाटक को यहाँ पे लिख लो, एक बार मैंने मर्ज कर दिया, इसको एक बार रिमूव कर देखो, इसको रिमूव करो, आई जस्ट डू इट अगेन। वॉर्स जो है, क्योंकि बंगाल थोड़ा सा बाद में ही हुआ था तो हम उसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपका हुआ था कर्नाटक का वॉर, ठीक है। सेकंड में आपका हुआ था किसका, सेकंड में आपका हुआ था बंगाल वॉर्स, ठीक है। थर्ड में आपका किसका हुआ था, थर्ड में आपका हुआ था मराठा वॉर्स, और फोर्थ में आपका कौन सा हुआ था, फोर्थ में आपका जो हुआ था वो था पंजाब वॉर्स, ठीक है। तो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आज की क्लास में, ठीक है। प्लस हम एक एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो वाला वीडियो तो अलग से बनाऊंगी, फिलोसॉफिकल वाला एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो इसी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम जितने भी ये लॉर्ड्स और गवर्नर्स या वायसराय जो भी आए थे, इनके इम्पोर्टेंट एक एक के बारे में पढ़ेंगे, और उनके इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमें याद रखनी है, उन्होंने इम्पोर्टेंट वर्क जो किया था, ठीक है, जो जो भी उनके कारनामे थे, नेगेटिव वर्क्स थे वो भी, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को अलग से एक वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। अभी मैं उसको यहाँ पे मर्ज नहीं करूँगी। देखो, अभी सिर्फ हम वॉर से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा वॉर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे को डिस्कस करना है, दैट इज गोइंग टू बी अ कर्नाटिक। तो मैं इस फ्लो चार्ट पर ऐसे रहने देती हूँ, एंड मैं यहाँ से आ जाती हूँ आपके नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक में, दैट इज गोइंग टू बी कर्नाटिक वॉर्स, ठीक है। तो जब हम कर्नाटिक वॉर्स की बात करते हैं ना, उससे पहले एक एक और वॉर चल रही होती है, और उसी के दौरान कर्नाटिक वॉर फर्स्ट शुरू होती है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ये आपका चल रहा होता है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी ये आपका चल रहा होता है, ठीक है। यूरोपियन कंप ये यूरोप में चल रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जब चल रहा था, ये आपका 1740s में चल रहा था, ये भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच पीपल के आगे उनके मतलब वर्सेस में चल रहा था, ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच में चल रहा था ये वाला वॉर, ठीक है। और इसी के बाद कर्नाटिक वॉर शुरू हो गया था, कर्नाटिक नॉट इसके बाद बट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली कर्नाटिक वॉर 1 शुरू हो गया था। तो इस वॉर पे बहुत इम्पैक्ट है, किस वॉर का, ऑस्ट्रियन वॉर का, कर्नाटिक वॉर पे बहुत इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था बेसिकली, कि
आपका जो ये तो चल ही रहा था, लेकिन कर्नाटिक वॉर वन कैसे हुई? ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंच थे ना, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच लोगों के पास एक शिप था, ठीक है इंग्लिश नेवी ने, इंग्लिश लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, इंग्लिश नेवी ने इसको कैप्चर कर लिया। जिसको कैप्चर कर लिया, ठीक है, इंग्लिश नेवी तब बारनेट के अंडर थी, तो बारनेट के अंडर इसने इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो इनका हेड था वो था ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स नाम था इसका। तो जो ड्यूप्लेक्स था ना, ये भी बहुत चालाक बंदा था, बहुत चंट बंदा था, ठीक है। इसको तब वहां पे ये गवर्नर जनरल था, ठीक है, इसका फ्रेंच का, फ्रेंच पीपल का। तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, डुप्लेक्स ने क्या बोला, हम मद्रास को कैप्चर कर रहे हैं। इन्होंने मद्रास एरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई कैप्चर होगा ना, तो ऐसे में स्टार बना दूंगी, ये मद्रास एरिया कैप्चर हो गया। और जब मद्रास एरिया कैप्चर हो गया, तो ये जो इंग्लिश पीपल थे, इन्होंने जो इस टाइम पे मुगल शासक था, मुगल मुगल में कौन यहाँ पे था, मुगल किंग कौन था इस टाइम में, नवाब, एक तो नवाब था कर्नाटक का, ठीक है। और क्या हुआ था कि ये जो नवाब थे, मुगल था, ठीक है। तो ये जो कर्नाटक का नवाब था, ये बनता बहुत अपने में कि मैं बहुत पावरफुल एंड ऑल हूँ, तो ये भैया मतलब उसमें आ गया, ये बहुत क्या कहते हैं उसको, ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं वॉर करता हूँ, मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। इसने बोला, फ्रेंच पीपल आए थे इसके पास, ठीक है, तो इसने बोला हम इंग्लिश के अगेंस्ट वॉर करते हैं, हम जीत जाएंगे। लेकिन ये वॉर में वॉर करने गए और ये हार गए, दे लॉस्ट, ठीक है। ऑल्दो ये हार गए, किससे, फ्रेंच पीपल से हार गए लोग, ठीक है, फ्रेंच प्लस नवाब था, ठीक है। और ये वर्सेस किसके थे, वर्सेस ब्रिटिशर्स के थे, या इंग्लिश के पीपल के थे। तो ये लोग हार गए, ठीक है। जब ये हार गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो एक वीकनेस है वो एक्सपोज हो गई है, ठीक है। ये हार रहे थे, मतलब नवाब हार गया, बट अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट था उसमें फ्रेंच जीत गए थे, ठीक है, फ्रेंच वॉन। लेकिन इनकी एक वीकनेस है, वो एक्सपोज हो गई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनकी वीकनेस एक्सपोज हो गई थी, किसकी, कि वहां के मुगल शासक जो है वो अब क्या कहते हैं, पावरफुल फोर्सेस नहीं रहे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे ब्रिटिशर्स को, ये चीज बहुत उनको वो देती है, एक आत्मविश्वास देती है कि वी विल बी एबल टू कैप्चर इट वेरी वेल, बिकॉज यहाँ पे किसी के पास कोई पावर बची ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हुई थी, फ्रेंच जीत गया, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ कैपिटल हो गया मद्रास का, ठीक है। एक ट्रीटी हुई थी यहाँ पे साइन, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस बैटल को क्या बोलते हैं हम लोग, इस बैटल को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम, बैटल ऑफ सेंट थॉम, ये पहली बैटल है, दिस इज द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉम। तो अगर कोई पूछेगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इसमें ब्रिटिशर्स के सामने जो वीकनेस है वो एक्सपोज हो गई, एक्सपोज हो गई। और एक ट्रीटी साइन हुई थी, XAIXX LELA CHAPATH, चपथ, चपथ लिख देती हूँ मैं इसको, चपथ लग जाती है, उससे आप याद कर सकते हो, ऑल्दो इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, और ये आपका जारी रहा था 1749 से लेकर 1754 तक, तो आप ये लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब क्या हुआ था इसके बाद, ठीक है। आई होप आप आवाज क्लियर होगी, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर की, ठीक है। सेकंड कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ था, ये बेसिकली चली थी आपकी 1749 से लेकर 1754 तक, ठीक है। और इस वॉर में हुआ क्या था, सबसे पहले तो
फ्रेंच ने अब बोला कि भैया हम लेंगे बदला। फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में एक काइंड ऑफ रिफ्ट ऑलरेडी बहुत तगड़ी वाली है, रिफ्ट से भी ज्यादा है, एनिमिटी हो गई है। तो दे आर गोइंग टू टेक बंगाज, ओके, फ्रॉम बोथ द साइड। तो अब फ्रेंच ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे किसे, हम लोग सपोर्ट करेंगे कुछ लोगों को, जैसे कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहेब। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मुजफ्फर, ठीक है, जंग एंड चंदा साहिब। ठीक है, अब इन्होंने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुजफ्फर जंग जो था ये बेसिकली हैदराबाद का निजाम था, ठीक है, और ये यहाँ पे किसका था, ये किसका था, कर्नाटक का। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, एक ज्वाइंट फ्रंट बना देंगे। ठीक है, अब फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में फिर से लड़ाई हुई। अब लड़ाई का नाम जो था वो था बैटल ऑफ एम्बर या अंबूर या आप जो भी बोले, AMBUR, ठीक है, इज बेसिकली द नेम। तो फ्रेंच एंड द ब्रिटिश कैंप के बीच में लड़ाई हुई। अब फ्रेंच जीत रहे थे, बट व्हाट हैपेंड कि फ्रेंच हाई कमांड से ये आया कि ड्यूप्लेक्स जो है वो वापस आ जाए। उसने बोला कि भैया मैं यहाँ पर तुम्हें लड़ाई कराने थोड़ी भेजा था, हमने तो तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए भेजा था इंडिया में। ठीक है, तुम वहां पे लड़ाइयाँ कर रहे हो तो तुम आ जाओ वापस। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी फ्रेंच की। ठीक है, उन्होंने इसको वापस बुला लिया। अब जो बंदा जो लीड कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहा था, बहुत शार्पली लीड कर रहा था, उसको वापस बुला लिया गया। तो ऑफकोर्स फ्रेंच लोग, फ्रेंच हार गई। स्टार्टिंग में जीत रही थी, जीता हुआ खेल हार गई। ठीक है, और क्या हुआ, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन हो गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स डोमिनेटेड इन द कर्नाटक एरिया, और ब्रिटिशर्स में भी बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव जो था वो उस टाइम पे, ठीक है, आर्मी लीड कर रहा था। तो जो कर्नाटक का कैपिटल था आरकॉट, वो इनके कब्जे में आ गया, किसके, ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड कर्नाटक वॉर। मैंने यहाँ कर्नाटक नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सेकंड कर्नाटक वॉर। अब बात करते हैं थर्ड कर्नाटक वॉर की, कर्नाटक वॉर थर्ड। ठीक है, तो जो थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ था उसके टाइम में क्या हुआ था, एक 7 ईयर वॉर थी यूरोप में, वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर का टाइम पीरियड 1756 से ही रहा था। ठीक है, 1756 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब क्या अब थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या क्या हुआ था, यहाँ पे हुई थी बैटल ऑफ वैंडिवॉश, बैटल ऑफ वैंडिवॉश, बैटल ऑफ वांडीवॉश हुई थी। ठीक है, इंडिया में कब, 1760 में, येली बैटल। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, फ्रेंच जो है वो बिल्कुल फुली हार गए थे, डिफीट ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से हार गए थे, और यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, अब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, कब हुई थी, ये 1760 में लड़ाई हुई थी, 1763 तक ये ट्रीटी साइन हो गई थी। ठीक है, अब ये जो यूरोपियन वॉर हुई थी इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज फ्रेंच जो है वो ऑलरेडी बहुत वीक पड़ गए थे इस वॉर से, और फिर उनको थर्ड वॉर भी पड़नी थर्ड वॉर भी उनको झेलनी पड़ी, इसलिए दे डिफीटेड, दे गेट दे गॉट डिफीटेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड कर्नाटिक वॉर, एंड इससे क्या हुआ, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश का एंड हो गया, एंड ब्रिटिशर्स दे वॉन एंड डोमिनेटेड इंडिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी अब। ठीक है, हेलो, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स का जो इंडिया का कॉन्क्वेस्ट था उसमें सेकेंड टाइप ऑफ वॉर, पहला वॉर था क्या था, कर्नाटिक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, बंगाल वॉर्स। ठीक है, बंगाल वॉर्स। तो बंगाल वॉर्स जो था, एक मैसूर वॉर्स भी आएगा, जो कि मैंने आई थिंक मैंने नहीं लिखा था, मराठा से पहले मैसूर वॉर्स भी आएगा। ठीक है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या हुआ था, बहुत ही इन फेमस इवेंट हुआ था, इसको ब्लैक होल इंसिडेंट बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, मुर्शिद कुली खां ये जो थे, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर थे ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल,
थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा से लिख रहा है, डोंट नो व्हाई, थोड़ा मेरा हाथ आई थिंक डिवाइस पे उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले गए थे, ठीक है, से बोला कि वो और ज़्यादा मान्य नहीं होंगे, तो ईआईसी को 1717 में एक फरमान मिला, फरमान फरमान मिला था जिसमें उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे ट्रेड से रिलेटेड। और वो किसने दिया था, वो दिया था फारूक सियार ने। मैंने आपको फारूक सियार का नाम बताया था ना, तो इस बंदे ने दिया था, बहुत ही गलत डिसीजन था, इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। उसने अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखा, उसने बोला कि ब्रिटिशर्स मेरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं, यानी उन्हों थोड़ा बहुत उसको रोकड़ा मिल जाता था, तो उसने बोला ठीक है तुम कर लो। तो उसने स्पेशल प्रिविलेजेस दे दिए थे इस फरमान में, ठीक है। अब उसने बोला, किसने बोला, मुर्शिद कुली खान है, कि और दो वो हमको कुछ रोकड़ा दे रहे हैं, बट हमारा जो निकल रहा है उससे कहीं ज्यादा है, तो ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ठीक है, जो दे रहे हैं वो कम है, जो जा रहा है वो ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो ये लॉस है। तो उसने बोला वैलिड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसकी बात नहीं सुनी गई और इसको हटवा दिया गया, ठीक है। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया सुजाउद्दौला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, बिकॉज इसने क्या किया, इसने एक्शन, इसने कोई एक्शन नहीं लिया था उसके अगेंस्ट, ठीक है, इसने सिर्फ बोला था, इस बंदे ने एक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है सुजाउद्दौला, ठीक है, नॉट सुजाउद्दौला, राइट है, सिराजुद्दौला, मैंने गलती से सुजा लिख दिया, बिकॉज इससे पहले सुजाउद्दौला भी आया था बट उसने कुछ किया नहीं था, तो सीधा सिराजुद्दौला भी आ रहे हैं, ठीक है, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन भी बोलते थे, फिर सिराजुद्दौला आया, ये इम्पोर्टेंट है। सिराजुद्दौला ने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया था, मतलब जहाँ पे उनका वो है मेन, उसके आसपास फोर्ट बनाना शुरू कर दिए थे, फोर्टिफिकेशन, ठीक है, फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो उसने बोला कि भैया ये प्रोसेस आपको यहीं पे करना होगा बंद, अपने फोर्ट्स को आपको हटाना होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको क्या लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी हटा लेगी, नहीं, उसने बोला हम तो नहीं हटा रहे जी, ठीक है। तो इसको आया गुस्सा, इसने क्या किया, इसने क्या किया, जितने भी वहाँ पे बेसिकली उनकी एक फैक्ट्री थी इंग्लिश की, कहाँ पर, कासिम बाजार एरिया में एक फैक्ट्री थी ब्रिटिशर्स की, उसको इसने कैप्चर करवा लिया, किसने, सिराजुद्दौला ने, ठीक है। जितने भी वहाँ ब्रिटिशर्स थे, एम्प्लॉयज थे, उनको एक छोटे से रूम में सबको एक साथ भर दिया गया, एक छोटे से रूम में सबको एक साथ भर दिया गया, जिससे कि सफोकेशन होने के कारण बहुत सारे इनके ब्रिटिशर्स के जो थे वो मर गए, ठीक है, दे डाइड। इस इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। ब्लैक होल इंसिडेंट जो था, इसमें 100 लोग मारे गए थे, 100 इंग्लिशमैन मारे गए थे अराउंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे था क्लाइव, क्लाइव ने बोला इसको तो बदला, इसको तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने उसके अगेंस्ट वॉर शुरू कर दी। फिर यहाँ पे कौन सी वॉर हुई, यहाँ पे वॉर हुई सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, इम्पोर्टेंट, ऑल द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट व्हाट आई एम राइटिंग, ठीक है। इसमें सिराज हार गया और उसको एक इंसल्टिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर ट्रीटी के इसको साइन करनी पड़ी, ठीक है। कब साइन हुई थी, 1757 में, पूरा 1757 का इंसिडेंट था, ठीक है। ही वाज हु, सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड, ठीक है। अब सिराज की जगह कौन आया, फिर आया यहाँ पे मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर जो था इनका पपेट था ब्रिटिशर्स का स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे उसको भी समझ आने लग गया, उसने भी बोला कि नहीं भैया हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ करना होगा, ठीक है, उसकी 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 तरफ से वो चीज़ हो गई। तो उसने क्या किया, इसने डच लोगों से बात करना शुरू कर दिया, ठीक है, डच को अपने तरफ लाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसने एक बैटल लड़ी जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदारा, तो बेदारा बैटल लड़ी 1759 में, और इससे ये डिफीटेड हो गया, उसको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। फिर उसके बाद अब एक नया पॉपेट चाहिए, ठीक है, नया पपेट आया मीर कासिम के नाम से, इसी का ही नेफ्यू था मे बी, ठीक है। याया
ये भी खुश नहीं था ईआईसी से। ईआईसी से इसने बोला कि यार ये तो बहुत गलत कर रहा है हमारे साथ। तो इसने क्या बनाया, इसने एक जॉइंट फ्रंट क्रिएट किया। जॉइंट फ्रंट 3 लोगों का था, ठीक है। पहला था सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था। सुजाउद्दौला जो कि था आपका अवध का नवाब, ठीक है। प्लस शाह आलम, शाह आलम जो था ये आपका मुगल मुगल का था, ठीक है। प्लस वो खुद था मीर कासिम, ठीक है। तो इनका एक ट्राइपार्टाइट ये ज्वाइंट फ्रंट बना, ठीक है। इन्होंने अटैक किया, ज्वाइंट फ्रंट को भी ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। ब्रिटिशर्स वॉन हेयर ऑल्सो, ठीक है। इससे एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद ट्रीटी, ठीक है। तो बस ये साइन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एक और पपेट रूलर, इन्होंने अब जो बिल्कुल वफादार पपेट था, वफादार पपेट जिसका नाम था नजमुद्दौला, उसको बिठा दिया और ये बात यहीं पे हो गई खत्म। इनका पूरा कंट्रोल हो गया, पपेट था पूरा लॉयल पपेट, ये सोचा भी नहीं कि भैया कुछ गलत कर रहा है, सही कर रहा है। तो बात रुक गई। नेक्स्ट वॉर्स जो हमें पढ़नी है वो है हमारी मैसूर वॉर्स। जो मैसूर वॉर्स है ना, मैसूर वॉर्स जो है, इनमें बेसिकली जो वॉर हुई थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था जिसका नाम था, मैंने ये पहले लिख दिया, हैदर अली। क्या नाम था, हैदर अली, ठीक है। हैदर अली के साथ हुई थी, ठीक है। तो हैदर अली क्या चाहता था कि जो ब्रिटिशर्स है ना वो मैसूर एरिया से, उसकी जो बेसिकली उसकी एसोसिएशन हुई थी फ्रेंच पीपल के साथ, ठीक है। वो अगेंस्ट था, अगेंस्ट था किसके, ब्रिटिशर्स के, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई, ब्रिटिशर्स प्लस हैदर अली वर्सेस फ्रेंच। क्या हुई, एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है। इससे एक ट्रीटी, डिफेंसिव ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास, हमारी लैंग्वेज में ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो ये साइन हुई 1769 में, ठीक है। इसमें ये वॉन हैदर अली डोमिनेटेड ब्रिटिशर्स, दे फेल्ड दिस वन। ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर थी, अभी दो और बाकी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई, ठीक है। अब ये जो वॉर थी ये कब हुई, 1780 में हुई है, ठीक है। कॉन्टिन्यू टिल 1784, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, हैदर अली डाइड और इसका बेटा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, क्या लिख रही हूँ मैं, टीपू सुल्तान, इसने मैदान में आना शुरू दिया। लेकिन वो तब इतना प्रिपेयर्ड नहीं था, तो उसने कुछ टाइम लेने के लिए ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इससे इसको थोड़ा प्रिपेयर होने के लिए टाइम मिल गया, ठीक है ना। इसने इस इशू को थोड़े टाइम के लिए सेटल कर दिया। फिर हुई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब क्या हुआ, वो प्रिपेयर्ड था, इसने भी किया 1790 से 1792 तक, इसलिए वॉर को कराया, ठीक है। इसमें टीपू अपने आर्मी के साथ और सबके साथ गया, लेकिन ही वॉज डिफीटेड, ठीक है, बाय द फ्रेंच पीपल। अब ये अगर डिफीट हो गया, ठीक है, तो अब ये डिफीट हो गया है, ठीक है। और इसको एक इंसल्टिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, ठीक है,
ठीक है। और 1799 में साइन हुई, ठीक है, इससे टीपू जो है वो मारा गया और माइसोर वाज रीड और वोडियार्स जो कि ओल्ड रूलर्स थे यहाँ के, उनको ये रिस्टोर कर दिया गया और वो पूरे ब्रिटिशर्स के पावर थे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज गोइंग टू बी द मराठा वॉर। तो जो मराठा वॉर है मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी, सेकेंड पार्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, मराठा वॉर और आपका एक बचेगा दैट इज गोइंग टू बी पंजाब वॉर। ये हम पूरा कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं कॉमेंट्री इसी वीडियो में करा देती हूँ, छोड़ो नॉट क्रिएट अ नेक्स्ट वीडियो लिमिट आई जस्ट कम्प्लीटेड इन दिस वन ऑल्सो बिकॉज फिर एक वीडियो और बनाकर फालतू का फायदा है ना। चलो मराठा वॉर पढ़ता है, चलो ठीक है। मराठा वॉर में सबसे पहले मराठा एम्पायर का फाउंडर कौन था, शिवाजी वॉज द फाउंडर, ठीक है। उसके बाद आया संभाजी राजा राम, ठीक है, राजा राम को उसका सन जो था शिवाजी द टू उसने कॉन्कर किया था अंडर द गार्डियनशिप ऑफ सांभा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ शिवाजी के बाद आया था संभाजी, संभाजी के बाद में आया था कौन, राजा राम, और इसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था ताराबाई, ठीक है। उनका एक पुत्र था वो कॉल्ड शिवाजी द टू, ठीक है। इसने फिर एंड में रूल किया, नॉट एंड में, इनके बाद ताराबाई की गार्डियनशिप थी, ये मर गया था, ठीक है। अब क्या हुआ था, इस औरंगजेब था ना, जो औरंगजेब के पास इनका इनका शिवाजी का बेसिकली एक और बेटा था, यहाँ पे एक राजा राम था एक साहू था, ग्रैंड मतलब शिवाजी का पोता राजा राम, साहू राजा राम डोमिनेट करता, साहू जो था वो इसके कब्जे में था। अब इसने इसको रिलीज कर दिया, किसको रिलीज कर दिया, साहू को। जब इसने साहू को रिलीज कर दिया तो इसने बोला कि भैया आप करेंगे वॉर, ठीक है। अब दो गुट में बट गया था, ठीक है। अब ये तो था नहीं, तो किसके बीच में वार हुई, सारू साहू वर्सेस ताराबाई, ठीक है, इनके बीच में वॉर हुई। अब इनके बीच में वॉर हुई तो साहू जो है जीत गया या हार गई। अब इसका इसके इसका जो एक बहुत ही मतलब हेल्पर था, एक बहुत ही अच्छा जिसने इसको वॉर में हेल्प की थी, उसका नाम था पेशवा बालाजी, पेशवा बालाजी। तो पेशवा बालाजी ने फिर डोमिनेट किया इसके मरने के बाद, ठीक है। उसके बाद पेशवा बालाजी ने एक डील या एक पैक्ट साइन किया किसके साथ, सैयद ब्रदर्स के साथ, ठीक है। सैयद ब्रदर्स जो थे वो मुगल्स औरंगजेब के बाद में भी आए थे। दो टैक्स थे, एक था सुरदेश या सरदेश सरदेश मुखी टैक्स और एक और टैक्स था चौथ टैक्स। इन दोनों को उसने पैक साइन किया कि ये दोनों पेशवा बालाजी ही कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो इसके बाद है इसको किसने सक्सीड किया, इसको सक्सीड किया बालाजी विश्वनाथ ने, और इसके बाद आया बालाजी बाजीराव टू, ठीक है ना, टू वन, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये अपने जो बाजू में मसाने वाले वो यही थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने साउथ तक अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, बुंदेलखंड तक, ठीक है, दिल्ली तक इन्होंने रेड्स की, बहुत अच्छा इनका एम्पायर रहा, ठीक है। फिर इनके सन आए ऐसे ऐसे करके, अभी हेरिडेटरी पोस्ट बन गई थी, ठीक है, मतलब कि जो बाप है वो बेटे को देगा अपनी गद्दी, ठीक है, राजा के बेटा राजा हेरिडेटरी हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत हुई, हमें पता है ये आपका बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव, ठीक है, इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा और ये हार गए और मराठा एम्पायर वहीं पे बंद हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, हमने मराठा एम्पायर का थोड़ा सा उजाड़ लिया क्या बैकग्राउंड, अब हम एंग्लो मराठा वॉर पे आते हैं, ठीक है। अब एंग्लो मराठा वॉर जो फर्स्ट वाली हुई थी उस टाइम में कौन था, फर्स्ट वाली में था वॉरन हेस्टिंग्स, ठीक। अब
जब आपने देखा था यहाँ पे ना दो कैंप क्रिएट हो गए थे एक्चुअली में, जब ये वाली वॉर हुई थी। एक था, एक कैंप था जो कि नाना फडणवीस को मानता था कि वो है गद्दी के हकदार, एक कैंप था जो कि रघुनाथ को मानता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक दोनों कैंप्स के बीच में एक कैंप का क्रिएशन हो गया था। अब इस क्रिएशन का जो फायदा उठाया वो किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने इस डिवीजन का फायदा उठाया। ठीक है, इसने एक पार्टी के साथ, इस पार्टी के साथ इसने क्या करा, हाथ मिलाया और बोला कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इससे एक ट्रीटी, इससे एक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ और इस पे ट्रीटी ऑफ सालवाई को साइन किया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हो गया मराठास का और ब्रिटिशर्स का 2 इयर्स पीस मिल गया इन्हें। अब क्या हुआ कि इतने में इनकी इंटरनल स्ट्रगल चलती रही। ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया इस 2 इयर्स के टाइम में, लेकिन इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज्यादा चल रही थी। ठीक है, अब इस वजह से इनकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। अब हुआ है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये 1803 से लेकर 1805 दो साल चली। ठीक है, इस टाइम में लॉर्ड वेलेस्ली थे, था वायुमाया सिंह थे। ठीक है, तो मराठास ने क्या बोला कि इन्होंने ब्रिटिशर्स को जो इंटरनल इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी उससे अपॉर्चुनिटी किसे मिली, ब्रिटिशर्स को जीत नहीं की। ठीक है, सेकेंड युद्ध हुआ, पेशवा बाजीराव टू था उस टाइम पे गद्दी में। ठीक है, युद्ध हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ बसियन। अब ये बहुत इंसल्टिंग ट्रीटी थी मराठा के लिए। ठीक है, इसमें जितने भी मराठा फोर्सेस थे वो सब कंबाइन हो गए थे, लेकिन वो तब भी डिफीट हो गए थे। अब अगर एक इंसल्टिंग ट्रीटी साइन करें तो थर्ड वॉर भी बनती है ना। तो सबसे पहली बात तो मराठा इसके अंदर रिजेंटमेंट आ गया था कि हमारे, मतलब हमें जो ट्रीटी है दैट इज वेरी इंसल्टिंग, तो उसका बदला लेना था। ठीक है, एक और वॉर करती, बट कंप्लीटली हार गए। तो ठीक है, अब जो था मतलब अपना बाजीराव टू था उसको भेज दिया रिटायर करके, पेंशन ऑफ कर दिया उसको। कुछ सक्सेस नहीं हो रहा पूरी तरीके से, जो ब्रिटिशर्स थे वो मराठा को अपने अंडर ले चुके थे। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एंग्लो मराठा वॉर। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज गोइंग टू बी पंजाब वॉर। तो पंजाब वॉर्स में क्या हुआ, पंजाब वॉर्स में स्टार्टिंग में देखो, एक तो बहुत सारे ना यहाँ पे जत्थाज होते थे या मिसल्स होते थे, ठीक है, या फिर ग्रुप्स होते थे। ठीक है, ठीक है, तो इसी मिसल का एक मिसल था जिसका जिसका नाम था सुकर चाकिया मिसल। इसी का एक था चीफ जिसका नाम था रंजीत सिंह, जो तो कि वहां का राजा था, वहां का पंजाब का रंजीत सिंह। और इसके साथ जो रिलेशंस थे ब्रिटिशर्स के बहुत अच्छे थे। ठीक है, और कोई लड़ाई नहीं होती थी, फ्रेंडशिप थी। ठीक है, और इस टाइम में लॉर्ड बेंटिक थे जिनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी। ठीक है, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तब बेंटिक ने बोला कि अब हम, जब ये जिंदा था तब पंजाब पर कोई कब्जा नहीं हुआ, अच्छी फ्रेंडशिप थी, कोई वो नहीं थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हो रखी थी कि हम हमला नहीं करेंगे और अच्छे वो बनाए रखेंगे। ऑल्सो रंजीत सिंह ने ऑलरेडी, सॉरी, ऑलरेडी लाहौर को कैप्चर करके रखा था 1790 में। ठीक है, तो बहुत चल गया था, बट जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ हुई तो बेंटिक ने क्या करा, अब बोला कि अब तो ये है नहीं, नाउ वी विल टेक ओवर। ठीक है, अब इन्होंने पंजाब एरिया कैप्चर करना था। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी 1839 में। ठीक है, फिर उसने कैप्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस टाइम में फिर बाद में जब कैप्चरिंग का टाइम आया था तब नेपियन था, ठीक है, गवर्नर, और उसके बाद डफरिन भी आया। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर टाइम, अभी हम पढ़ते हैं आगे वो चीज़ आपको। सिंध को अनेक्स कर लिया और वहाँ पे कुछ लीडर्स जैसे कि खारिफ
सिंह, मतलब निहाल सिंह, दिलीप सिंह, इन्होंने मतलब ये वीक रूलर्स थे एंड देवर अनेबल टू डिफेंड. ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉर हुई. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, वॉर का नाम था बैटल ऑफ सोबरवन. ठीक है, ये बैटल हुई, इसमें इनको ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर. ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया गया. ठीक है, अब ये हार गए, तो दिस लेड टू सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर. ठीक है, सेकेंड एंग्लो पंजाब वॉर. इस टाइम में लॉर्ड डलहौजी थे सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में नेपियन था, सेकेंड वाले में लॉर्ड डलहौजी था. ठीक है, इसने क्या किया, इसने अब पूरी तरीके से इनको पंजाब को हरा दिया और पंजाब को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया. पंजाब वॉज कैप्चर्ड इन सेकेंड वॉर. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द वॉर्स. सो हमने बहुत अच्छे से 1 घंटे का नियरली वीडियो 45 मिनट्स का बन गया है, हमने सारे के सारे वॉर्स को कवर कर लिया है. अगर आपने देख लो, यहाँ से कर्नाटक कर लिया, बंगाल कर लिया, मराठा कर लिया हमने, ठीक है, और पंजाब कर लिया. ठीक है, मैसूर, ये तो हमने साथ ही पढ़े थे, है ना. ठीक है, तो ये सब था हमारा आज का टॉपिक. अब मैंने आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहली वीडियो आपकी ऐसा आई थी जिसमें हम ऑल द लॉर्ड जो भी थे, एक गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, जो भी थे, उन सबको, जितने भी ब्रिटिशर्स के थे, इन सबको हम लोग कवर करेंगे. इनके इम्पोर्टेंट, इन्होंने जो जो काम करे हैं या जो जो इन्होंने गलत काम करे, दोनों हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, ऑल्सो ये एक वीडियो में आएगा, दूसरी वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुकी हूँ, इन दो टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस, दो अच्छे से वीडियोस बना के दूंगी. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियरली समझ आया है. मैं पे लिख देती हूँ, थर्ड सेकंड में किसकी बात करूँ, फिलोसॉफिकल सोसाइटीज की बात करूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी टीयर टू के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो इसकी भी हम लोग बात कर लेंगे. ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, हैव वेरी नाइस डे, ग्रेट डे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको जाके रेड बटन है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करना है, बिकॉज ये बहुत मोटिवेशन देती है, आपके क्लिक से बहुत कुछ अच्छा होता है. सो यू कैन जस्ट गो फॉर इट. ठीक है, और एक लाइक छोड़ देना ताकि मेरे को पता लगे आपको वीडियो समझ में आई है. कमेंट कर देना, कोई डाउट्स हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और पीपल हु नीड इट. सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे, बाय.